अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ कि आप लोग कैसे एक्सपेंसिव और अट्रैक्टिव लग सकते हैं बजट में रहते हुए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टिप नंबर वन से, वो ये कि आपकी वार्डरोब में ये दो कलर्स के ट्राउज़र्स लाजमी होने चाहिए, जिसमें सबसे पहले आता है वाइट कलर एंड देन आता है ब्लैक कलर। आप उसके ऊपर कोई भी डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जैसे मैंने यहाँ पे लेस लगवाई हुई है ट्राउज़र के एंड में। आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी लेस लगवा लें या कोई भी डिज़ाइनिंग करवा लें। इस तरह डिज़ाइनिंग कराने से आपकी ड्रेस की लुक और ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। और ये दो कलर्स बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हैं, जो कि हर ड्रेस के साथ चल जाते हैं। आपके पास कोई भी शर्ट हो, कोई भी कुर्ता हो, कोई भी टॉप हो, आप इन दो कलर्स को इजीली पेयर अप कर सकते हैं उस ड्रेस के साथ और कैरी कर सकते हैं। देन हम लोग बात कर लेते हैं दुपट्टास की, और आपकी वार्डरोब में ब्लैक एंड स्किन कलर के दुपट्टास होना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि आप किसी भी ड्रेस के साथ पेयर अप कर सकते हैं। यहाँ मैंने स्किन दुपट्टा के एंड में लेस लगवाई हुई है, जो कि बहुत प्यारी लगती है। और ये दुपट्टा चुनरी स्टाइल में है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट जो ब्लैक दुपट्टा है, इसके एंड पे मैंने लेस लगवाई हुई है, छोटी छोटी लेस है। और ये दो दुपट्टास आपके किसी भी ड्रेस के साथ चल जाएंगे। आप स्किन दुपट्टा को मरून ड्रेस के साथ कैरी कर सकते हैं और ब्लैक दुपट्टा को डिफरेंट ड्रेसेस के साथ कैरी कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे लगेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ज्वेलरी की, एंड मैं आपके साथ बहुत बेसिक और यूनिक टिप्स शेयर करने लगी हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पेंडेंट्स की। अच्छा, अगर आप लोग स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं या अपने घर में भी वेयर करना चाहती हैं, तो हमेशा इस तरह की मिनिमल ज्वेलरी वेयर करें, जो कि बहुत प्यारी लगती है। एंड इस तरह छोटे छोटे लाइट से स्टड्स वेयर कर लिया करें, जो कि आपकी लुक को और ज़्यादा एलिगेंट बनाते हैं। एंड देन मैं यहाँ पे आपको पेंडेंट दिखा रही हूँ, ये है उस सर्कल डिज़ाइन में, एंड ये बहुत प्यारा लगता है और आपकी इससे लुक बहुत एलिगेंट आती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, एक ये नेकलेस है मेरे पास, और अगर आपको किसी फंक्शन पे जाना हो तो आप लाइट वेट सा ये नेकलेस इस टाइप का पहन सकते हैं, जो कि बहुत प्यारा लगता है नेक में पहना हुआ। एंड नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये जोकर है एक ब्लैक कलर में, जो कि आप कोई भी ब्लैक कलर का ड्रेस हो, कोई फ्रॉक हो या वेस्टर्न ड्रेस हो, तो उसके साथ इस तरह का जोकर पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वॉचेस की, एंड वॉचेस का शौक किसको नहीं होता। तो मेक श्योर कि आपकी जो वॉचेस की कलेक्शन है, उसमें आपके पास कुछ फॉर्मल वॉचेस भी होने चाहिए एंड कुछ कैजुअल वॉचेस भी होनी चाहिए। एक आप डेली रूटीन में भी यूज़ कर सकते हो जो कैजुअल वॉचेस होती हैं, उनको अगर स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं तो भी आप यूज़ कर सकते हो, इस टाइप की वॉचेस होनी चाहिए। या अगर आपको किसी फंक्शन में जाना हो या किसी शादी ब्याह में जाना हो, तो तब आप किस तरह की वॉचेस फॉर्मल टाइप की यूज़ कर सकते हैं। एंड इस तरह की जो वॉचेस होती हैं, वो आपकी लुक को और ज़्यादा यूनिक बनाती हैं। एंड ये तो आपको पता ही होगा कि वॉचेस पहनी हुई बहुत डिसेंट लगती हैं और आपकी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा ग्रूम करती हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ब्रेसलेट्स की, जो कि आपके पहने हुए बहुत अच्छे लगते हैं। एंड ब्रेसलेट्स हमेशा आप मिनिमल वेयर किया करें, जो कि लाइट वेट हों और मिनिमल सी लुक दें। एंड ब्रेसलेट्स हमेशा ऐसे चूज़ किया करें जो कि आप कैजुअली भी यूज़ कर सकें और फॉर्मली भी यूज़ कर सकें। यहाँ पे एक मेरे पास ब्लू कलर का ब्रेसलेट है, जो कि बहुत प्यारा और यूनिक है। एंड गोल्डन ब्रेसलेट्स आप किसी फंक्शन पे पहन सकते हैं या किसी इवेंट पे पहन सकते हैं। एंड सिल्वर कलर के ब्रेसलेट्स और एंकलेट्स जो होते हैं, वो भी पहने हुए बहुत प्यारे लगते हैं। वो या मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप जो ज्वेलरी वेयर करें, वो हमेशा मिनिमल सी हो और लाइट वेट हो, और ऐसी हो कि कैजुअली भी पहनी जा सके और फॉर्मली भी वेयर की जा सके। देन यहाँ पे मेरे पास दो कंगन हैं, इनको बैंगल्स भी कह सकते हैं, कड़े भी कह सकते हैं, कंगन भी कह सकते हैं। ये आप किसी फंक्शन पे या कोई इवेंट हो आपकी फैमिली में या कोई शादी वाला फंक्शन हो, तो आप वहाँ पे पहन सकते हैं। और ये कड़े बैंगल्स के साथ पहने हुए बहुत प्यारे लगते हैं और इससे आपकी पर्सनैलिटी और ज़्यादा इन्हेंस लगती है। ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं मेकअप की। एंड मेकअप अगर आप डेली बेसिस पे करना चाहते हैं, तो हमेशा लाइट सा मेकअप करें। और यहाँ पे मेरे पास कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो अगर आप यूनिवर्सिटी जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, तो आप हमेशा नो मेकअप वाली लुक क्रिएट करें। एंड उसके लिए आपको फाउंडेशन को अवॉइड करना होगा, और फाउंडेशन की जगह पर आपको कोई भी बीबी क्रीम लाइट वेट से यूज़ करनी चाहिए। यहाँ पर मेरे पास ब्यूटीफाई बाय आमना की है, और
ये नो मेकअप लुक के लिए बेस्ट है। देन आपको बीबी क्रीम से पहले प्राइमर यूज़ करना होता है ताकि आपकी जो बीबी क्रीम है वो सेट रहे, और उसके बाद आपने अंडर आइज़ में कंसीलर यूज़ करना है, बिकॉज कंसीलर से आपके जो डार्क सर्कल्स होते हैं वो बहुत अच्छे से कंसील हो जाते हैं और आपकी लुक भी इतनी बुरी नहीं लगती। देन जो आपने बीबी क्रीम चूज़ की थी अपने फेस के लिए, उसको आपने सेट करने के लिए पाउडर का यूज़ लाजमी करना है, बिकॉज समर्स में आपकी जो फाउंडेशन होती है या आपकी बीबी क्रीम होती है, बिकॉज समर्स में स्वेटिंग से आपके फेस पे जो बेस होती है वो क्रैक हो सकती है, तो उसको आपको सेट करना पड़ता है पाउडर से, तो इस तरह का आपने पाउडर लाजमी यूज़ करना है। देन आपके पास एक ऐसी किट लाजमी होनी चाहिए जिसमें आपके पास मल्टी चीज़ें हों, लाइक यहाँ पे मेरे पास रिवाज की किट है, इसमें ब्लश ऑन भी है, कंटूर भी है, कंसीलर भी है, तो आपको ये किट बहुत पॉकेट फ्रेंडली है और आप कहीं भी इसको ले जा सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मस्कारा की, और कौन कहता है कि मस्कारा के बगैर मेकअप लुक कंप्लीट रहती है, नो वे, मस्कारा के बगैर मेकअप लुक बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं रहती, तो मस्कारा आप लाजमी अप्लाई करें। देन आपके पास ब्लश होना चाहिए फ्लफी सा, जो कि आप ब्लश ऑन के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये दो कलर्स लाजमी होने चाहिए जो कि न्यूड कलर्स हैं, एंड ब्राउनिश से पीचिस से कलर्स अपनी कलेक्शन में लाजमी रखें, और इनसे आपके लिप्स बहुत अच्छे लगते हैं और ज़्यादा डार्क मेकअप लुक भी नहीं लगती, तो इस तरह के जो लिप शेड्स होते हैं नो मेकअप लुक के लिए बेस्ट रहते हैं। तो ये थी कुछ मेकअप टिप्स। अब बात कर लेते हैं नेल्स की, तो आपके पास इस तरह के नेल पेंट्स लाजमी होने चाहिए जिसमें आपके पास लाइट कलर्स भी हों एंड ब्राइट कलर्स भी हों। यहाँ पे मेरे पास ये न्यूड लाइट सा कलर है, ब्राउनिश पीचेस सा नेल पेंट कलर है, और ये अगर आपके पास डार्क कलर का ड्रेस हो तो उसके साथ ऐसा कलर वेयर किया हुआ बहुत प्यारा लगता है। और नेक्स्ट जो मेरे पास बहुत गज़ब का कमाल का कलर है मरून कलर, और मुझे लगता है कि ये जो मरून कलर होता है ये डार्क टोन वालों के साथ भी बहुत अच्छा लगता है और फेयर टोन वालों के साथ भी बेस्ट रहता है, तो मरून कलर की नेल पेंट आपकी कलेक्शन में लाजमी होनी चाहिए। देन मेरे पास ये एक कलर है, ये पिंक, शॉकिंग पिंक टाइप कलर है, और ये भी लगाया हुआ बहुत प्यारा लगता है, तो आपके पास इस तरह के कलर्स लाजमी होने चाहिए। नेक्स्ट आपके पास नेल्स होने चाहिए जो कि आप किसी भी इवेंट में वेयर कर सकते हैं, तो ऐसे आर्टिफिशियल नेल्स भी होना ज़रूरी है जो कि आप किसी भी फंक्शन में पहन सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं शू की, तो शूज़ के बारे में मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्ट मेरे पास ये सैंडल्स हैं, ये फ्लैट्स हैं स्टाइलो के, एंड बेसिकली दीज आर फ्लैट्स, एंड ये मैंने हर ड्रेस के साथ ड्रेस में वेयर किए हैं, तो इस तरह के आपके पास फ्लैट्स लाजमी होने चाहिए जो कि हर ड्रेस के साथ वेयर किए जा सकें। एंड ये गोल्डन कलर के हैं एंड ये बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत यूनिक लगते हैं और हर ड्रेस के साथ ईजीली चले जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस तरह का एक ब्लैक कलर का आपके पास फ्लैट लाजमी होना चाहिए स्पेशली समर्स में। क्या है कि ब्लैक, वाइट और स्किन, ये तीन कलर्स ऐसे हैं जो कि आपके हर ड्रेस के साथ ईजीली चले जाते हैं और आपको टेंशन भी नहीं होगी कि इस ड्रेस के साथ कौन सा फ्लैट वेयर किया जाए, तो अगर आपके पास ब्लैक कलर होगा तो आप वो पहन के जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ये कोल्हापुरी डिज़ाइन की, और ये कोल्हापुरी जो है ये बहुत प्यारी लगती है पहनी हुई, और आजकल कोल्हापुरी इसका भी फैशन है, तो ये ब्राउन कलर में है और ये भी हर ड्रेस के साथ इजीली वेयर की जा सकती है, तो फ्लैट्स हमेशा ऐसे चूज़ किया करें जो कैजुअली भी आप यूज़ कर सकें और फॉर्मली भी यूज़ कर सकें, तो अगर आपको किसी फंक्शन में जाना हो, आपका दिल ना कर रहा हो हील्स पहनने को, तो आप ऐसे फ्लैट्स भी पहन सकते हैं। होपफुली आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए ये टिप्स काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी, तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।